चलिए, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो मैथ्स का आपका 10th क्लास का, दिस इज द 7th चैप्टर, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है बेसिकली? तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे वी से अ कार्टेशियन प्लेन, वी से विथ ए कॉल वी डिफाइन अ कार्टेशियन प्लेन। सो व्हाट इज द कार्टेशियन प्लेन? तो हम लोग क्या करते हैं, प्लेन मतलब क्या होता है, कोई भी 2D सरफेस, आपके बुक का पेज, मेरा ये बोर्ड, कोई भी वॉल, कोई भी एक सरफेस जो है, दैट इज अ कार्टेशियन। कोई भी चीज को आप क्या बोल सकते हैं, एक प्लेन बोल सकते हैं। प्लेन इज अ 2D शेप, ठीक है। अगर रूम की बात करेंगे तो रूम 2-डायमेंशनल है क्या? नहीं, रूम इज 3-डायमेंशनल, तो इट इज नॉट अ प्लेन, ठीक है, इट्स अ वॉल्यूम, कंप्लीट वॉल्यूम है। तो कार्टेशियन प्लेन या कोई भी प्लेन मतलब क्या होता है, 2D एक सरफेस होता है। तो कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन में क्या करते हैं हम लोग, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, उसमें क्या करते हैं हम लोग, दो एक्सेस लेते हैं, एक एक्सेस को बोलते हैं एक्स एक्सेस, दूसरे एक्सेस को बोलते हैं वाई एक्सेस। और ये जो एक्स और वाई एक्सेस, दोनों एक्सेस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। और हम लोग क्या करते हैं, ये पूरा प्लेन जो है, इसके हर पॉइंट को एक स्पेसिफिक नेमिंग दे देते हैं। जैसे ये पॉइंट है, इसका कुछ नाम है, ये पॉइंट है, इसका भी कुछ नाम है, ये पॉइंट इसका भी कुछ नाम है, ये पॉइंट का भी नाम है, ये पॉइंट का भी नाम है। हर पॉइंट का क्या है, अपना एक एक एड्रेस है। नाम बोलने से ज्यादा अच्छे से मैं बोलूंगा, अपना खुद का एक एड्रेस है, डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए ये यहाँ पे x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू भी 1 है, तो किसी को भी अगर आपको ये पॉइंट का एड्रेस बताना है तो आप उसको बोलोगे 1,1। जैसे आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे अपने यहाँ पे, जैसे बहुत आप लोगों के घरों के नंबर होंगे 234/1, 24, 824, B32, ऐसे अलग अलग पैटर्न्स में नंबर्स रहते हैं। अपने यहाँ पे हर जगह पे नहीं है, बट जैसे जो प्लांट सिटीज है चंडीगढ़ वगैरह में, उसमें क्या किया गया है कि देर इज अ सेक्टर, सेक्टर में देर इज लेन, और लेन में देर इज हाउस, देर इज अ हाउस नंबर, देन देर इज अ लेन नंबर, एंड देन देर इज अ सेक्टर। तो जब आपको हाउस, लेन नंबर और सेक्टर बता दिया, तो आप बराबर उस स्पेसिफिक घर तक पहुंच सकते हैं। वैसे ही किसी स्पेसिफिक पॉइंट तक पहुंचने के लिए अगर मैंने आपको उसका कोऑर्डिनेट बता दिया, तो आप उस स्पेसिफिक पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 1,1। अगर ये पॉइंट रहा तो इसका कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? तो लेट्स से फॉर एग्जांपल इसका x 2 है, y 3 है, तो पहले x लिखते हैं कॉमा करके y, x कॉमा y। कोई भी पॉइंट को हम लोगों को लोकेशन लिखना है, तो हमारा पैटर्न फिक्स किया गया है कि भाई वहां से x पे परपेंडिकुलर डालो, कहां जाके मिल रहा है 2 पे, तो x की वैल्यू कितनी होगी 2। y पे परपेंडिकुलर जाके डालो, तो y पे परपेंडिकुलर कहां मिल रहा है 3 पे, तो y की वैल्यू इज 3। वहीं पे अगर हम लोगों को ये पॉइंट लेना है फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2 है, तो इसको क्या लिखेंगे, 3,2। तो इस तरीके से आप किसी भी पॉइंट को, जरूरी नहीं है कि इंटीग्रल वैल्यूज ही हो, 1.1, 1.1, 1.1, 2, 1.1, 2, 1.5, आप डेसिमल्स वैल्यूज, फ्रैक्शनल वैल्यूज कुछ भी हो, तो हर पॉइंट को किसी एक प्लेन में आप क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो पार्ट होता है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये दो लाइंस क्या करती है, ये दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती है, और ये पूरे प्लेन को क्या करती है, चार पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये जो पार्ट है, दैट इज द फर्स्ट पार्ट, उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और क्वाड्रेंट्स हम हमेशा गिनते जो है वो एंटी क्लॉकवाइज गिनते हैं, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो उससे यहां पे आएंगे तो ये क्या हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट। ये यहां पे आएंगे तो ये क्या हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट। और ये यहां पे आएंगे तो ये क्या हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। सो वी हैव द फर्स्ट क्वाड्रेंट, वी हैव द सेकंड क्वाड्रेंट, वी हैव द थर्ड क्वाड्रेंट, एंड वी हैव द फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरीके से आपका प्लेन जो है, ये चार पार्ट्स में, चार क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड होता है। ये जो क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें हर एक x की वैल्यू तो पॉजिटिव होती ही है,
साथ ही साथ वाई की भी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, एक्स की भी वैल्यू पॉजिटिव होती है और वाई की भी वैल्यू पॉजिटिव। अब वहीं पे अगर कल जाके कोई ये यहाँ के किसी पॉइंट के लिए बात करेगा, तो यहाँ पे एक्स के लिए फॉर एग्जाम्पल एक्स की वैल्यू क्या हो गई, ओरिजिन राइट में जैसे नंबर लाइन हम लोग देखते हैं, ये एक्स क्या है, एक नंबर लाइन है, तो ये अगर जीरो है तो ये राइट में सब क्या है, पॉजिटिव, लेफ्ट में सब क्या है, निगेटिव। तो एक्स की वैल्यू इसकी क्या हो गई, निगेटिव, तो ये क्या हो गया, -3, 1। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट होता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, निगेटिव है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ निगेटिव एंड पॉजिटिव। पहला कोऑर्डिनेट क्या होगा, निगेटिव, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है, अब ये क्या हो गया, वाई एक्सिस में भी आप क्या आ गए, नीचे आ गए, जैसे ये -2 है और ये -4 है, कोऑर्डिनेट क्या आएंगे इसके, -4, -2। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट इज निगेटिव एंड निगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में बोथ द कोऑर्डिनेट्स आर निगेटिव। क्लियर है सबको, पक्का? तो ध्यान दीजिए मैम, कहाँ ध्यान है आपका, अगर इस क्वाड्रेंट में आप जाते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट इज 2, वाई कोऑर्डिनेट इज -3, दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट ऐसा क्वाड्रेंट होता है जिसमें एक्स क्या होता है, पॉजिटिव, बट वाई क्या होता है, निगेटिव। तो कोई भी पॉइंट हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का है कि सेकंड का है कि थर्ड का है कि फोर्थ का है, ये हम किसके बेसिस पे बता सकते हैं, उसके साइंस के बेसिस पे, कि अगर भाई दोनों एक्स और वाई दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर एक्स निगेटिव है वाई पॉजिटिव है, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, दोनों निगेटिव है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स पॉजिटिव है वाई निगेटिव है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है सबको? तो बेसिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या हुआ, हर पॉइंट का हम लोगों ने क्या किया, एक लोकेशन डिफाइन किया, हर पॉइंट की एक कोऑर्डिनेट से हमने उस पॉइंट की लोकेशन को क्या किया, आइडेंटिफाई किया। हम लोग इस प्लेन में कोई भी पॉइंट है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक यूनिक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की एक यूनिक वैल्यू, एक वैल्यू ऑफ एक्स और वाई अगर दे दिया तो आप एग्जैक्टली उस पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। क्लियर है सबको? अब हमारा एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हुआ, तो एक बार मैं वापस इसमें बता देता हूँ, जैसे ये हमारा पॉइंट है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिखा हम लोगों ने, x, y। तो x, y का मीनिंग क्या है कि अगर ये पॉइंट से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला, तो ये जिस पॉइंट पे कट करेगा, तो ये वाली जो दूरी होगी, ये वाली दूरी क्या होगी, एक्स, ये जो परपेंडिकुलर है, ये जहां एक्स एक्सिस को कट करेगा, ये कोऑर्डिनेट, ये वाली दूरी क्या होगी, एक्स। क्लियर है क्या? ये जो परपेंडिकुलर डाला है ये एक्स नहीं होगा, ठीक है ना, ये क्या होगा, ये हम 2 मिनट में समझेंगे, बट ये यहां मीट कर रहा है तो इसकी यहां से दूरी कितनी होगी, एक्स। और वहीं पे यही पॉइंट की अगर हमने वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला, तो वो जहां मीट कर रहा है उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, वो कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई। वो पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है एक्स, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वाई, तो हमारे पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, y। ध्यान दीजिएगा, अगर ये वाई है तो ये जो शेप है ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगल, दिस इज अ रेक्टेंगल, स्क्वायर नहीं है। क्यों स्क्वायर नहीं है, क्योंकि ये अलग है और ये अलग है, एंगल 90 है, बट ये साइड और ये साइड अलग है, तो ये वाई है तो ये भी क्या हो गया, वाई, और ये एक्स है तो इसके लिए ये भी क्या हो गया, एक्स। तो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला,
जहां गिर रहा है वो परपेंडिकुलर, तो ये वाली लेंथ कितनी है वाई और ये वाली लेंथ कितनी है एक्स। तो ये क्या हो गया, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट का मीनिंग। अगर हम निगेटिव में जाते हैं तो क्या डिस्टेंसेज निगेटिव हो जाते हैं क्या, क्या ये पॉइंट है? तो ऑब्वियसली आपका डिस्टेंस निगेटिव नहीं होगा, बट ये यहां मीट कर रहा है, तो इधर जो रहेगा हमारा कोऑर्डिनेट वो कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, निगेटिव रहेगी। जैसे अगर ये एक्स की दूरी 2 है तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2 रहेगा क्या, एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा -2। ये दूरी अगर 2 है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा -2। क्लियर है सबको? सबको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यूज में, डायग्राम में पूरा कुछ देते नहीं है, सिर्फ इसकी वैल्यू दे देते हैं कि ये 3 है, फिर पूछते हैं एक्स कोऑर्डिनेट क्या है वाई कोऑर्डिनेट क्या है, तो आप इसको देख के आप इसको एक्स कोऑर्डिनेट बोल देते हो, ये एक्स कोऑर्डिनेट है क्या, नहीं, ये वाली लेंथ क्या है वाई कोऑर्डिनेट, ये वाली लेंथ क्या है एक्स कोऑर्डिनेट। क्लियर है? अब ये जो पॉइंट है जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। इसका कोऑर्डिनेट होता है 0, 0। ओरिजिन का एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 और वाई कोऑर्डिनेट भी 0। ओरिजिन के राइट साइड एक्स बोला जाता है तो दैट इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेफ्ट साइड में हम बोलते हैं एक्स डैश, दैट इज नेगेटिव एक्स एक्सिस। ऊपर बोलते हैं वाई और नीचे बोलते हैं वाई डैश, तो एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए, कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गए। क्लियर है सबको? पक्का? बहुत बढ़िया। तो अब ये जो एब्सिसा है ये किसको बोला जाता है, एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट इज आल्सो कॉल्ड एज द एब्सिसा, और ऑर्डिनेट जो बोला जाता है वो किसको बोला जाता है, वाई कोऑर्डिनेट। तो किसी ने बोला ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, सिर्फ ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट बोला, मतलब वो किसकी बात कर रहे हैं, वाई कोऑर्डिनेट की। अगर एब्सिस ऑफ अ पॉइंट बोला मतलब किसकी बात कर रहे हैं, वो एक्स कोऑर्डिनेट की। क्लियर है सबको? बाकी फिर हमने क्वाड्रेंट सिस्टम ऑलरेडी देख लिया कि भाई ये कौन सा क्वाड्रेंट है, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, नहीं एक्स वाई पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। बहुत बढ़िया। अब ये तो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक्स वाई कहां पे कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है ये हमने देख लिया। अब जो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, एक सेकेंड, एक इसमें एक चीज और जो हमें देखनी है वो ये है कि यहां पे है तो क्या हुआ है, क्या इसका कौन सा कोऑर्डिनेट 0 है, एक्स की वाई, एक्स की वाई वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये अगर ए पे कट कर रहा है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 1, 0। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कंफ्यूजन अभी तो ध्यान इस पर डायग्राम, बट एग्जाम में पूछ लेते हैं एमसीक्यू में, द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज, तो हम लोग बोल देते हैं नॉन जीरो। तो अगर एक्स एक्सिस का पॉइंट है तो उसका क्या 0 रहेगा, वाई 0 रहेगा, और वहीं पे अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस का हो गया तो इसके लिए क्या होगा, एक्स की वैल्यू 0 होगी, ठीक है ना। तो फॉर अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस वाई 0, फॉर अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस एक्स इज 0, वाई एक्सिस का पॉइंट है मतलब एक्स 0, एक्स एक्सिस का पॉइंट है मतलब वाई 0। क्लियर है सबको? पक्का? क्या कोऑर्डिनेट है इसके,
एम तो वो पॉइंट का नाम है, वैल्यू दी है ना, एक्स क्या है, 3 है कि 4 है? तो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज व्हाट, 3,4। क्लियर है सबको? कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं हम लोगों, एब्सिस ऑर्डिनेट तो आप लोग बता सकते हैं। फिर उसके बाद इसका कोऑर्डिनेट क्या है, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स बताइए। एक्स इज 3,2। अक्षता जी बताइए क्या है इसका आंसर, 2,3। क्यों कैसे, क्यों कैसे? दो ही ऑप्शन थे, अकड़ पकड़ बम बम करेंगे 2,3 की 3,2। बताइए कैसे 2,3 क्यों बोल रहे हैं आप? चांडक जी इतनी देर से तो अभी समझ रहे थे यार पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, अगर अभी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में कंफ्यूज होगा तो कैसे होगा? हाँ सर, बेसिकली ये जो डिस्टेंस रहता है ये कौन सा होता है, एक्स कोऑर्डिनेट की वाई? एक्स। और ये 2 है तो ये भी कितना है, 2। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट है तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 2। वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 3। हाँ बाकी सभी लोग नहीं बोलेंगे, जिसको पूछूंगा वही बोलेगा, सर आप, हाँ 2,4 क्या गलत है? -2,4 क्वाड्रेंट का पॉइंट है, सेकंड क्वाड्रेंट का, तो एक्स क्वाड्रेंट विल बी नेगेटिव, तो -2,4। क्या आत्मा जी, अरे एक ही का नाम है ना आत्मज की, बाकी लोगों ने नाम बदल लिए अपने। और कौन है आत्मज क्लास में? हाँ -5 -3, इसका क्वाड्रेंट क्या है, -5,-3। बहुत बढ़िया, बैठिए। एस, अरे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, हाँ 5,-1। एक्स कोऑर्डिनेट विल बी पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट विल बी नेगेटिव, 5,-1। सो दैट इज हाउ यू डिफाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। कह रहे क्या? तो दैट इज अ बेसिक इंट्रोडक्शन, क्या होते हैं एक्सेस, क्या होते हैं और कौन से इस पे क्या पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, इसको एक बार आप लोगों ने समझ लिया, इसको देखिए अब नेक्स्ट विल मूव टू इस डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, उसके पहले इसको नोट कीजिए।